क्लासेस, माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, और ये जो टॉपिक है आपका डिजिटल का है, और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो कि इस टर्म्स को मिनिमाइज करो, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करो, तो उससे पहले हम देखते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट सम क्या होता है, की माप क्या होता है, किस तरीके से जो है आपकी एक्सप्रेशन है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो आइए जो है आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम जो है आपका कहाँ से आया है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक का जरूर देखिएगा, ताकि जब इसके बेस पे क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर देखो, बुलियन एक्सप्रेशन क्या कहता है, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपका ट्रू फॉल्स या जीरो वन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करवाता है, या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपकी क्या हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो, अगर आपने देखा होगा ए बी बार सी, या फिर ए बार बी बार सी। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये क्या है, ये आपकी बुलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये मेथड होता है जो यूजिंग विच वी रिप्रेजेंट अबाउट बुलियन फंक्शंस दैट इज जीरो और वन। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्रुथ टेबल देखी हो तो ट्रुथ टेबल में जीरो 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 वन, वन जीरो 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 वन वन, इस तरीके से होता है ना, तो इसी को क्या करता है, ये एक्सप्रेशन में डिवाइड कर देता है। लाइक जहाँ पे ए बार आना है ए बार कर दिया, बी बार आना है बी बार कर दिया। ठीक है, जहाँ पे सी आना है किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट ट्रुथ टेबल, जैसे ये आपकी ट्रुथ टेबल है, इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट करवा देगा बुलियन फंक्शन इनटू एक्सप्रेशन। किसमें कन्वर्ट करवा देगा, एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करवा देगा, विच कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है ये, जो होता है ये आपका क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको बुलियन एक्सप्रेशन समझ में आएगा कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और क्यों हम यूज करें, और सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सम सम कहां से आए हैं। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो दो टाइप की कैनोनिकल फॉर्म रखता है, कौन कौन सी, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि एसओपी और पीओएस। आज हम देखने वाले हैं एसओपी के बारे में। ठीक है, तो एसओपी को देखते हैं कि एसओपी क्या होती है, उससे पहले थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज अब आपको समझ में आएगा कि हम एसओपी और पीओएस यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि हम इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं। ये आप इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल लेते हैं ना, जीरो 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 वन वन जीरो जीरो। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पर देखो, ये आपकी दो स्टेटमेंट है, मतलब आपने कोई भी दो वैल्यू दी और आपको फाइनल आउटपुट ये मिल गई, एक आउटपुट ये है और एक आउटपुट ये है। अब यहाँ पर देखो, तीन जीरो है और एक जगह वन है, आपके कोई बोल रहे हैं तो छोटा सा मैंने चार टेबल का लिखा है, 8, 16, 25, मतलब इस तरीके से बहुत 128 हजारों में भी टेबल जो है बड़ी बड़ी हो सकती है, आपकी हो सकती है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ये तो 2x2 की जो है आपकी टेबल है, तो यहाँ पर सिर्फ ये कह रखा है कि जो फाइनल आउटपुट है वो आपको याद करनी है। तो किस तरीके से याद करोगे, क्या यहाँ पे शॉर्ट मेथड है, क्या आप तीन जीरो वालों को याद करोगे, मतलब तीन जीरो यानी कि ए बार, सपोज यहाँ पर जीरो है, जीरो को ए बार लिखते हैं, इसको बी बार लिखेंगे, प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो आप बताओ, ये पूरा एक्सप्रेशन याद करोगे या ए प्लस बी वाले एक्सप्रेशन याद करोगे, तो ऑब्वियसली जो सबसे आसान है, जो इजी मेथड है, वही तो हम याद करेंगे ना, मुश्किल मेथड थोड़ी याद करेंगे। तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी याद करने की बजाय मैं सीधा ए प्लस बी यानी कि ये याद कर लूँ तो ये ज्यादा ईजी रहेगा ना मेरे लिए। ठीक है, या फिर हम इसको ए बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जहां पर वन है मैं वो याद करूंगी ना, जहां पर तीन जीरो है वो थोड़ी याद करूंगी, है ना। तो एक तो ये मेथड है कि जहां पर वन है मैंने वो याद कर लिया, और एक ये मेथड है कि यहाँ पर तीन वन है और एक जीरो है, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में भी आप वही करोगे कि जहां पर एक जगह जीरो आ रहा है आप उसको याद करोगे, क्योंकि वो याद करना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू जहां पर तीन बार वन आए हुए हैं, है ना। तो इसलिए यही होता है। अब यहाँ पर जो इस साइड में अगर लिखो सम ऑफ प्रोडक्ट, आपका क्या कहता है, ये किसको रिप्रेजेंट करवाता है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट आपका किसको यूज करेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको किसको रिमेम्बर करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट में हम रिमेम्बर करेंगे वन को, और प्रोडक्ट ऑफ सम में मैं किसको रिमेम्बर करूंगी, जीरो को। प्रोडक्ट ऑफ सम में मैं किसको रिमेम्बर करूंगी,
करूंगी 0 को और सम ऑफ प्रोडक्ट में मैं किसको याद करूंगी 1 को, मतलब जहां पर 1 है मैं वो याद करूंगी किस में, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट में, और जहां पर 0 है मैं वो किस में याद करूंगी, प्रोडक्ट ऑफ सम में। ये चीज क्लियर है? ये चीज हमेशा याद रखना ट्रुथ टेबल में, जहां पर 0 आया है प्रोडक्ट ऑफ सम की बात हो रही है, तो जहां पर 0 है वो आप प्रोडक्ट ऑफ सम में लोगे, और जहां पर 1 है अगर सम ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है तो जहां पर 1 है आप उसको जो है प्रोडक्ट ऑफ सम में लोगे। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम डिस्कस कर लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो हो गया है कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। बूलियन एक्सप्रेशन के दो टाइप हो गए, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। और सम ऑफ प्रोडक्ट को जब हम कब किस केस में याद करेंगे, जहां पर 1 होगा उस केस में हम सम ऑफ प्रोडक्ट को याद करेंगे, और जहां पर 0 होगा उसको हम याद करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए। ठीक है, अब आगे चलो, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है। ऐसा को की फुल फॉर्म तो पता ही चल गई, सम ऑफ प्रोडक्ट। और सम ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या होता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो क्या बन जाए आपकी, सम। प्रोडक्ट फॉर्म क्या, लाइक ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो मतलब ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म थी, ये बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट की फॉर्म है और इनको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, सम ऑफ प्रोडक्ट की। ठीक है, क्लियर है कि हम इसको सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम क्या, उनका हम क्या करवा देते हैं, सम करवा देते हैं। लाइक ये प्रोडक्ट था, ये था, ये था, ये था, इन सबका मैंने क्या करवा दिया, सम करवा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैं अगर इसकी एक्सप्रेशन की बात करूँ तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल लूँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, ये सीक्वेंस है हमारा 0 to 7 जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और ये आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 00001। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है किस तरीके से हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, तो जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद देखो, ये टर्म्स हैं मीन टर्म, सॉरी ये आपके जो है एसओपी टर्म्स हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं। और ये इसमें जो एसओपी फॉर्म होती है उसको हम मीन टर्म्स बोलते हैं, यानी कि स्मॉल एम से जो है हम उसको डिनोट करते हैं, और पीओएस में मैक्स टर्म होती है जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये जो दोनों में डिफरेंस होता है हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बार क्यों लगाया है, ए बार बी बार सी बार, ये हम बार क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो बार लगाने का मतलब ये है, सपोज आपको देखो यहाँ पे एग्जांपल में आपको 000 पे 1 मिल रहा है, तो क्या अगर आप 00 की 000 के आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आपको 0 मिलेगा, सॉरी क्या आपको 1 मिलेगा। ये 3 जीरो है, 3 जीरो की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो दे रहा है कि 00 पे आपको 1 मिल रहा है, जहां जहां 1 है वो आपको लेना है। तो अब क्या करें कि 00 पे आपको 1 मिल जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी है तो ए बी सी का मैं क्या करूँ, यानी कि 000 है, अगर मैं 0 का बार करूँ यानी कि ऊपर बार लगा दूँ तो 1 हो जाएगा, 0 का बार कर दूँ 1 हो जाएगा, 0 का बार कर दूँ 1 हो जाएगा, तो मैं ट्रिप 1 की मल्टीप्लाई करूंगी तो आपको क्या मिलेगा, 1। समझ में आया? इसलिए हम क्या लगाते हैं, ए बार बी बार सी बार, जहां जहां 0 होगा उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, बार लगा दूंगी। ठीक है, तो ए बार बी बार सी बार। अब देखो यहाँ पर ए बार बी बार सी बार ये हम इसलिए लगाते हैं कि बाई चांस अगर आपको 1 मिल रहा है तो आप उसको क्या करो, चेंज करवा सको, यानी अगर आपको 0 मिल रहा है तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे ताकि आपको 1 मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पर 0 था वहां पर मैंने बार लगा दिया, जहां पर 1 था वहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब देखो, अब ये बोल रहा है कि 00 पे 1 मिल रहा है, 00 पे 1 मिल रहा है, तो आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, ए बार बी बार सी बार, फिर क्या करवा दोगे, प्लस। क्यों, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है तो हम बीच में किसका साइन लगाएंगे, प्लस का। ठीक है, अब देखो 001 पे आपको क्या मिल रहा है, 0, तो ये तो आपको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट में आप किसको लेते हो, किसको रिमेम्बर करते हो, 1 को, जहां 1 होगा सिर्फ वही आप लोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो एम 0 पे आपको 1 था, एम 1 पे तो 0 है, एम 2 पे आपको 1 है, एम 3 पे भी आपको 1 मिल रहा है, एम 4 पे भी आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो चार चीजें आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो जो एम 0 है, एम 0 आपका क्या है, ए बार बी बार सी बार। अब M2 आपका क्या है, M2 क्या है आपका, 010।
अब 010 अगर मैं ए बी सी लिख दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, तो हम बार कहाँ लगाएंगे जहां पर जीरो है, ठीक है। अब देखो M3, M3 पे है 011, तो A बार B C, और उसके बाद है आपका M4, 0 1 2 3 4 5 पे, सॉरी 5 पे है, तो 5 का आप क्या लिखोगे, A B बार C। तो इस तरीके से जो है आप रिप्रेजेंट करवाते हो सम ऑफ प्रोडक्ट को, इस तरीके से आपको जो है नंबरिंग दी होती है, और जहां जहां पर वन होगा वो आपको याद रखना है, और जहां जहां पर वन होगा उसको हम क्या करवा देंगे, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिनेरियो समझ में आएगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट को हम किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से नोट डाउन करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर यूज होता है, जहां पर वन आएगा वन को रिमेम्बर करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आई है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।